वैसे भाई लोग, नियो 6 पर आज अपन BGMI का कॉम्पिटिटिव गेम प्ले खेलेंगे। वैसे ये डिवाइस स्मूथ पर एक्सट्रीम से लेकर HDR में एक्सट्रीम, उसके बाद अल्ट्रा HD तक ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। वैसे इस गेम प्ले को अपन स्मूथ पर एक्सट्रीम ग्राफिक के साथ खेलने वाले हैं और इस गेम प्ले को मैं S Lobby +2 Star के साथ खेलने वाला हूँ। तो अपन चलते हैं गेम प्ले की ओर। वैसे भाई लोग, नियो 6 को लेकर मैं सीधे उतर गया अपार्टमेंट्स मींस मैन हो ट्रॉप, और यहाँ पर गजब सीन, उतरते के साथ किसी बंदे ने हमारे भाई को नॉक और फिनिश कर दिया। समझ में नहीं, कंट्रोल। वैसे भाई लोग, नियो 6 पर आपको स्नैपड्रैगन 870 का 5G चिपसेट मिलता है। नीचे एक बोट आया था, ये बोट नॉक फिनिश। इस बोट की पेटी बनाने के बाद मैं आपको इस मैच का सबसे प्रो बंदा दिखाता हूँ। ये रहा कैंपर, ये था अल्टीमेट सूट बाज। ना जाने इस बंदे ने इस अल्टीमेट सूट के पीछे कितनी यूसी बर्बाद किया होगा। चलो ठीक है, सूट मिला आपको, लेकिन भाई साहब, यहाँ पर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप इतने महंगे कपड़े पहनकर मत खेलो, वरना आप बंदूक की नजर पर सबसे पहले आ जाओगे। ये रहा पिक बाज, ये बंदा नॉक। वैसे मेरे हिसाब किताब से इस मैच पर भाई साहब लगभग सभी बंदे टूर्नामेंट खेलने वाले आ गए हैं। ये देखिए, ये बंदा बमबाजी करने का प्रयास कर रहा था। यहाँ से अगेन बंदों को बड़े हिसाब किताब से निपटाना होगा। फिलहाल एक बंदा नॉक किया था मैंने, ना जाने वो बंदा गया कहाँ पर। सो यहाँ पर फुटस्टेप आ रहे हैं मुझे। ये रहा बंदा फिनिश, और इस बंदे की पेटी बनाते बराबर एक भाई ऊपर थे जिनके ऊपर बंदे लोग स्प्रे बाजी कर रहे हैं। ये पहला बंदा नॉक, और यहां से अंदर दूसरा बंदा सीधे फिनिश। सो अपार्टमेंट पर बंदे राहुल जी खत्म। जी हाँ खत्म। तो मैं पहुंचा स्कूल, बंदे यहां पर, और ये बंदे स्प्रे बाजी कर रहे हैं। एक भाई नॉक, और मेरे स्प्रे से ये बंदे सिर्फ डैमेज। बाय द वे, हमारे भाई ने दोनों बंदों को नॉक किए। और यहाँ पर एक बंदा छत पर है, ये देखिए, ये बंदा भी डैमेज। फिलहाल भाइयों, मुझे ऐसे बंदे सेम टू सेम IQ वाले टूर्नामेंट पर मिले थे जो सिर्फ डैमेज होते हैं, मरते हैं नहीं। यहाँ से आगे एक बंदा छुपा हुआ है जिसके ऊपर बम फेंकता हूँ। यहाँ पर ये देखिए गजब सीन, सामने वाला बंदा आने लगा था, लेकिन भाई साहब एक बंदा पीछे से भी आ रहा है। ये बंदे हमको घेरने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। ये रहा इस पे बाज, ये नॉक, ये दूसरा बंदा नॉक, ये रहा तीसरा बंदा, सीधे फिनिश। तो ये स्क्वाड थी स्कूल की सबसे बड़ी कैंपर स्क्वाड। सो ये वाली स्क्वाड की पेटी बनाने के बाद हमारे एक भाई गाड़ी से घूम रहे थे, बंदे इनका पीछा कर रहे हैं यहाँ पर। ये एक बंदा नॉक, और ये दूसरा बंदा सीधे फिनिश। हाल फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं नियो 6 पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ इस गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी एस लॉबी के अंदर। लेकिन भाई साहब, डिवाइस पर रेंडर वगैरह की कोई भी समस्या ही नहीं। सो स्कूल से निकलकर मैं मिलिट्री बेस जा रहा था, लेकिन किंतु परंतु एक बंदा दिखा छत के ऊपर, और यहाँ पर गजब सीन, ये देखिए सी कैटेगरी के बंदे मुझे जो IQ सीरीज का टूर्नामेंट हुआ था उस पर मिलते थे। जी हाँ, यही घरों पर चार चार बंदे बैठे रहते थे। ये रहा आखिरी बंदा, ये बंदा सीधे फिनिश। तो मेरे भाइयों, BGMI के नए वाले टूर्नामेंट की डेट क्लोज हो चुकी है, लेकिन भाई साहब जो 10 मैच खेलना होता है ना, जिसमें से BGMI आपका सबसे बेस्ट मैच सिलेक्ट करता है, बस 5 से 6 दिनों तक बंदे लोग 10 में से अपना एक बेस्ट मैच निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वैसे मुझे मजा बहुत आ रहा है, क्योंकि भाई साहब 3-4 बंदे हमेशा इकट्ठा मिल रहे हैं, जिसका मतलब 1 vs 3 1 vs 4, जी हाँ, इजी करने को मिल जा रहा है मुझे। सो यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने भी BGIS means BGMI का टूर्नामेंट वाला फॉर्म भर लिया है तो यहाँ पर आप सांप बनकर, छुपकर, कैंपिंग कर बिल्कुल ना खेलें। और ये रहा सबसे बड़ा एग्जांपल, वैसे इस बंदे का प्रयास था जब जोन चालू हो जाएगा तो हम जोन के साथ साथ जोन के अंदर पहुंच जाएंगे। सो अगर आपको रियल में टूर्नामेंट वगैरह खेलना है तो सबसे पहले आपको इस प्रकार की हरकत छोड़ना होगा कि भाई साहब हम जोन के साथ साथ
जोन के अंदर जाएंगे। अगर भाई साहब हमारे जैसे 3-4 बंदे मिल गए ना तो आप जोन के अंदर पहुंच ही नहीं पाओगे, इस बात की 100% गारंटी है। ये देखिए एक और बंदा आया। वैसे भाई लोग ये बंदा 100% टूर्नामेंट खेल सकता है, क्योंकि भाई साहब इतनी देर के बाद जोन के अंदर आना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन भाई साहब बंदा सीधे फिनिश। वैसे भी इस मैच पर 20 किल मैंने कर चुका हूँ और इसी प्रकार से मैं सेम टू सेम टूर्नामेंट वगैरह पर भी खेलता हूँ। ये देखिए इस गाड़ी पर कितने बंदे हैं, एक बंदा नॉक। और यहाँ पर गजब सीन देखिए, नगाड़ संग ढोल बाजे। और यहाँ पर ये गन मशीन बाज, सीधे नॉक सीधे फिनिश। वैसे भाई लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा क्या मुझे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह पर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ी गलती बंदों की कि ये बंदे लोग जोन के साथ साथ जोन के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये रहे मधोश बंदे, इनकी पेटियाँ बनाता हूँ। मेरी गाड़ी के साउंड के आने से पहले मैं आपकी पेटी बना दूंगा। ये दो बंदे नौ, और ये रहा आखिरी बंदा, ये बंदा सीधे फिनिश। सो बंदों की पेटियाँ बनाने से पहले यहाँ पर हील अप कर लेता हूँ, क्योंकि भाई साहब यहाँ से आगे मुझे दो कॉनकरर के बंदे मिलने वाले हैं और इनमें से एक बंदा प्लेन का ड्राइवर था, जी हाँ, और दूसरे बंदे का हेलीकॉप्टर था। और ये बंदे सीजन C3S7 उस सीजन के कॉनकरर प्लेयर हैं। वैसे भाई लोग इस वीडियो को आप ईयरफोन लगा कर देखिएगा। ये देखिए ये रहे कॉनकरर प्लेयर, कैंपिंग कर रहे थे लोग। सो अगर आप टूर्नामेंट वगैरह की वीडियोस वॉच करते हो तो आप सभी व्यक्तियों को वो बंदे प्रो प्लेयर क्यों लगते हैं आपको पता है? खैर छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ। सो उनके पास अपग्रेडेबल वेपन होती है, एक्सूट्स होते हैं, और सबसे बड़ी गन M4 ग्लेशियर, जी हाँ वो होती है उनके पास, जिसके चलते वो प्रो प्लेयर लगते हैं। और हाँ सबसे बड़ी बात, चारों बंदे एक साथ कॉल करके खेलते हैं, जिसके चलते उनकी स्क्वाड्स एक मजबूत स्क्वाड हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए सामने एक बंदा दिखा, ये देखिए मैंने बंदे को नॉक किया था, उसके बंदे ने स्मोक डाला, देन नेक्स्ट यहाँ से आगे समझिए दो बंदे फ्री है, नहीं मीन्स वो बंदे रिवाइव बच्ची कर रहे हैं, उनके पीछे दो बंदे हो रहे हैं। और यहाँ पर गजब सीन, मेरा पूरा हिसाब किताब बर्बाद, एक बंदा जोन से फिनिश। फिलहाल यहाँ पर दो बंदे बस बचे हुए हैं, ये बंदे 100% मेरे हिसाब किताब से रिवाइव बच्ची कर जरूर पीछे गए होंगे। लेकिन मेरे जस्ट सामने एक और स्मोक हुआ और ये बंदा बम खींच रहा है, मींस बम बाजी करने का प्रयास। वैसे यहाँ पर देखिए मैं ठहरा रहा सर, मैं रुकने से रहा, एक बंदा नीचे है, जी हाँ पत्थर पर, मींस वो बंदा इस बंदे को कवर दे रहा है। यहाँ से आगे जाता हूँ और यहाँ पर मुझे सांप की रिसटने की आवाज आ चुकी है, ये रहा सांप, ये नॉक, देन इसके पीछे ये रहा कवर बाज, ये बंदा सीधे फिनिश। वैसे भाई लोग इन 10 दिनों के बीच पर मैं लगातार हर दिन 6-6 घंटे गेमिंग करूंगा, और इन बंदों को मैं, मींस जो बंदे मेरी लॉबी पर आएंगे उनको मैं उनके 10 मैचों में से अपना सबसे बेस्ट मैच बनाने दूंगा नहीं, जी हाँ। वैसे भाई लोग ये था IQ Neo 6 का BGMI कॉम्पिटिटिव गेम प्ले। सो Neo 6 को आप 2023 पर परचेस कर सकते हो। वैसे इस डिवाइस के टच पर कोई भी परेशानी है नहीं, परेशानी टेम्पेड लगाने के बाद जाती है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।